गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 4। वैसे आपका 14वां चैप्टर है ये किताब के हिसाब से, लेकिन हमने अपना फिजिक्स ही अलग कर लिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो उससे कुछ होता तो है नहीं। चैप्टर का नाम आपको पता है, सब कुछ पता है, तो फिजिक्स की कापी भी अलग बनाएंगे, बनाए होंगे। तो चैप्टर 4 आपका है फ्लोटेशन, प्लवन। प्लवन को पढ़ने के पहले कुछ चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे दाब, प्रणरोध, ये पढ़ना। और दाब को पढ़ने के पहले एक बार हम पुनः बल पर आते हैं। किस पर आते हैं? बल पर। बल क्या है? वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। दूसरी परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को या तो बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक एम के एस पद्धति में न्यूटन तथा सी जी एस पद्धति में डाइन होता है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोर्स फोर्स फोर्स, बहुत बल बल बल, बहुत बल पढ़े आप, ठीक है। अब दाब क्या है, अपणोध क्या है? देखो बेटा, ये दोनों ही बल हैं। दाब भी बल है और प्रणोध भी बल है। अब कहेंगे साहब, अगर दाब बल है, दाब अगर बल है, तो इस शब्द को लाने की जरूरत क्या है? हाँ है, है। थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल दिए। क्या किए? थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल दिए। जैसे रोटी खाते हैं हम लोग, ठीक है, उसी को गोल बना करके, ठीक है, जब आग पका देते हैं तो वो बाटी हो जाती है, लिट्टी बट्टी, बट्टी चोखा होता है कि नहीं? है वही गुथा हुआ आटा, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। कराए एकांक क्षेत्रफल पर, देख लीजिए, पहले एक चीज तो कह दिया एकांक क्षेत्रफल पर, यानी एक सेंटीमीटर स्क्वायर, एक मिलीमीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर, एक किलोमीटर स्क्वायर, एक होना चाहिए, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को दो चीज कह दिया। बल कैसा हो? लंबवत हो, 90 अंश के कोण पर लग रहा हो। और कितने पर लग रहा हो? एकांक क्षेत्रफल पर। जब बल एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करे और तल के लंबवत कार्य करे, तब उस बल को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दाब। जब गुथे हुए आटा को पतला पतला बेला जाए और तवे पे सेका जाए ना, तब वह रोटी कहलाती है। जब उसी गुथे हुए आटे को गोल गोल बना करके उपली के आग में सेक करके उसको बनाते हैं, तो भौरी हो जाती है, बट्टी हो जाती है। तो दोनों के स्वाद में तो अंतर है ना। तो वही चीज यहाँ पर है। दाब बल है, लेकिन कैसा बल है? जो एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करे। और कैसे कार्य करे? तल के लंबवत दिशा में। देखिए, पहले एक एग्जांपल लेके समझते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ठीक। इसका सूत्र हो गया, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में दाब को प्रेशर कहते हैं, इसीलिए पी से, बल को फोर्स कहते हैं, इसीलिए एफ से, क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, इसलिए ए से, पी कंटू एफ अपान ए। इसका मात्रक क्या हुआ? बल का एम के एस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सी जी एस पद्धति में आइए तो बल का मात्रक डाइन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, डाइन प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर। यह सदिश राशि है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसको। यहां पर पहले समझिए, यहां पर अभी कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं। जैसे हम कह दें 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर, ठीक है,
500 न्यूटन का बल तल के लंबवत लगता है, लंबवत लगता है। तो दाब क्या होगा, दाब बराबर क्या? अच्छा बताओ भाई, आयतिक नियम निकालता हूं फिर सूत्र से। 100 वर्ग मीटर पर कितना, 500 न्यूटन। 1 वर्ग मीटर कितना, 500 बटे 100, मतलब 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आयतिक नियम से कि 1 वर्ग मीटर पर लंबवत बल कितना कार्य कर रहा है, 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसी को पी से निकाल रहा हूं, पी बराबर एफ अपान ए। एफ कितना है, 500। ए कितना है, 100, बराबर 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो दाब निकालना हम लोग जान गए। फिर आप देखिए एक चीज, आप बताइए। अब यह बराबर 500 न्यूटन है, 500 न्यूटन है। अब कई क्षेत्रफल लेते हैं, कितना कि A1 बराबर 100 वर्ग मीटर, A2 बराबर 250 वर्ग मीटर, A3 बराबर 500 वर्ग मीटर। ठीक है, ठीक है। पहले कंडीशन में हमने क्या किया कि 100 वर्ग मीटर पर 500 न्यूटन का बल लंबवत लगाया, 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 500 न्यूटन का बल लंबवत लगाया। ठीक है, तो P1 कितना हो जाएगा बेटा, F अपान A1, क्योंकि बल तो हमेशा 500 न्यूटन ही है। जरा देखो, तो 500 बटे 100 बराबर 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। जरा P1 निकालो, जरा P2 निकालो, F अपान A2। जरा देखो, तो 500 बटे कितना, 250 बराबर 2.5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। P3 निकालते हैं, यह बटे A3 करेंगे, तो 500 बटे 500 बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहां से आप क्या देख रहे हैं, यानी क्या मिल रहा है, जैसे जैसे हम क्षेत्रफल का मान बढ़ाते जा रहे हैं, दाब का मान घटता जा रहा है। देख रहे हैं ना, जब क्षेत्रफल 100 था तो दाब 5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर था, जब क्षेत्रफल 250 मीटर था वर्ग मीटर था तो 2.5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आया, जब क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर हुआ तो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आया। यानी क्षेत्रफल का मान बढ़ाने पर दाब का मान घट रहा है, जबकि बल समान है, सब में 500 न्यूटन है, सब में 500 न्यूटन है। फिर यहां समझिए, इसी चीज को यहां समझिए कि अगर क्षेत्रफल का मान बढ़ रहा है तो P का मान क्या होगा, घटेगा। P का मान क्या होगा, घटेगा। और क्षेत्रफल का मान घट रहा है तो P का मान बढ़ेगा। देखो, क्षेत्रफल का मान बढ़ रहा है तो P का मान घट रहा है, ये बढ़ रहा है 100, 250, 500, 1 घट रहा है। ठीक, अब उल्टा देखिए, क्षेत्रफल का मान हम घटा रहे हैं, 500 था 1 और घटा दिए, 2.5 और घटा दिए 5 ना, मतलब उल्टा संबंध है। दाब और क्षेत्रफल में क्या है, उल्टा संबंध है। अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, अगर क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। ठीक है, ये उल्टा संबंध है। अब इसी पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए, हम लोग कहते हैं चकुइया कोठाई गई बा ऐसे कटत ना आएगा। घर वाले कहते हैं, औरतें कहती ना, चकुइया कोठाई गई बा ऐसे सब्जी कटत ना आएगा। ठीक, कहीं खुरपिया कोठाई गई बा ऐसे कटत ना आएगा, कहीं हसीवा कोठाई गई बा ऐसे कटत ना आएगा।
इस चारा मशीन के लिए क्या कहेंगे, हाँ क्या कहेंगे, कहेंगे इसका ब्लेड जो है, इसका ब्लेड होगा कुठाई जो भा क्या कहते हैं उसको, पत्ती कहते हैं, पत्ती है कुठाई जो भा चारा कटत ना आए, बहुत मेहनत करेंगे। तो क्या होता है जरा देखिए, पहले कोठा गया है, इसको इंग्लिश कहते हैं ब्लंट, क्या कहते हैं ब्लंट कहते हैं इंग्लिश में, आधारदार है तो सॉफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं सॉफ्ट, मतलब जब मुंह मोटा हो जाता है तो उसको ब्लंट कहते हैं, कुंद क्या कहते हैं कुंद, इसको क्या कहते हैं धारदार, धारदार। सुन पाए कोठाना को शुद्ध हिंदी में कुंद बोलते हैं, भाई बोलना जरूरी है ना, अभी कोई वीडियो देखेगा कहेगा मास्टर बाबा बहुत बेवकूफ़ है, इसको कुछ आता होता नहीं है, इसीलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया ब्लंट, मतलब जो कहा था कोठाई बा, कुंद शार्प धारदार तेज, कहें पिटियाय के आए हो शाम धराय के आए हो खब कटक बा। ठीक, तो होता क्या है कि जब आपका चाकू या कोई भी वीपन, एग्रीकल्चरल वीपन, जिसका वीपन माने औजार जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जब वो कुंद हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, तो क्या होता है उसके मुंह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जान दो मुंह का क्षेत्रफल क्या होता है बढ़ जाता है, जब मुंह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब कम लगता है। देखो बल तो आपने मान लीजिए 500 न्यूटन का आप बल हमेशा लगाते हैं, मान लीजिए 500 न्यूटन का बल तो लगी रहा है, लेकिन जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब घट गया कि नहीं घट गया, देखो क्षेत्रफल बढ़ गया दाब घट गया, क्षेत्रफल 100/5 न्यूटन था, क्षेत्रफल बढ़ रहा है दाब घट रहा है। तो जब आपकी चाकू, आपकी खुरपी, आपकी हसिया, आपका फावड़ा, आपकी कुदाल, आपका ब्लेड, ब्लेड दाढ़ी बनाते बनाते वो भी कुंद हो जाती है, तो कुंद होने का मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब क्या होता है कम लगता है, और दाब कम लगने के कारण काटना क्या होता है कठिन होता है। ब्लेड में भी वही बात है, जिससे दाढ़ी बनाते हैं वो भी जब ब्लंट हो जाती है उसके मुंह का क्षेत्रफल क्या होता है बढ़ जाता है, जब क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो काट नहीं पाता, दाब नहीं लगा पाता, कम लगाता है तो दाढ़ी आराम से नहीं बनती है। ठीक बेटा, अब आइए मेरे ख्याल से अब आप दाब को ठीक से समझ गए होंगे, दाब बल ही है, केवल क्या क्राइटेरिया इसका है कि यह एकांत क्षेत्रफल पर कार्य करे और लंबवत तल के लंबवत कार्य करे। ठीक है, एक परिभाषा एक चीज और बता दे रहा हूं, जैसे मैं खड़ा हूं, ठीक है आप मेरा पैर तो नहीं देख रहे हैं, खड़ा हूं तो आपको लग रहा होगा सर दोनों पैर पर खड़े हैं, लंगड़ा तो हूं नहीं या एक पैर वाला तो हूं नहीं, वो होता तो बैसाखी लगाए रहता, एक पैर पर खड़ा तो बल माने भार, बल माने भार बताया हूं, जैसे मान लीजिए कि मैं लगभग 60 किलोग्राम का हूं, कितना 60 किलोग्राम का, तो 60 किलो की ग्रह का हूं तो एम है ये ना, मास है ना ये, तो भार कितना हो जाएगा एम जी, तो 60 × 10 = 600 न्यूटन, कितना भार कितना है 600 न्यूटन अप्रोक्सीमेट लगभग, तो 600 न्यूटन है। अब मैं अपने दोनों पैर पर खड़ा हूं तो दोनों पैर का क्षेत्रफल, ठीक, अब पृथ्वी मैं दाब लगा रहा हूं क्योंकि भार लंबवत नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। ठीक, और अगर मैं अपना ये एक पैर उठा लिया तब बताओ, उठा लिया हूं पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, उठाया हूं डगमगा रहा हूं, तो अगर जब मैं एक पैर पर खड़ा हो गया तो क्षेत्रफल घट गया कि नहीं घट गया, इसका मतलब तब दाब क्या होगा बढ़ जाएगा, दाब क्या होगा बढ़ जाएगा, बढ़ ही नहीं जाएगा, अब क्षेत्रफल आधा हो गया, दो पैर में से एक पैर क्षेत्रफल आधा हो गया तो दाब दूना हो जाएगा, दाब दूना हो जाएगा। इसीलिए देखिए, पहले आपके घर वाले कहते हैं आपसे, ये अगर चारपाई पर है कहीं यार पट्टी अब कहाँ बैठा है, पार्टी पार्टी जो बांस की पट्टी होती है ना, क्या पार्टी पर मत बैठिए पार्टी टूट जाएगी, पीछे खिसक कर बैठिए, क्यों कहते हैं क्योंकि पार्टी तो पतली सी है, इसे मैं बैठ गया तो 600 न्यूटन का बल इतने क्षेत्रफल में लगाया पूरे पार्टी में,
क्षेत्रफल घट गया, दाब ज्यादा पड़ रहा है, पार्टी टूट जाएगी। जब मैं पीछे खिसक गया तो पूरा यहाँ तक पीछे वाला काफी लंबा पोर्शन हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया हमारा चारपाई पर, ठीक, तो दाब कम लगता है, क्षेत्रफल बढ़ गया दाब कम लगता है, तब चारपाई आपकी टूटती नहीं है। अभी कुर्सी पर देखिए हम लोग बैठते हैं, पूरा पूरा वेट कुर्सी पर डाल देते हैं, लेकिन खड़े हों तो कुर्सी टूट सकती है, क्यों कि क्षेत्रफल, खड़े होने पर क्षेत्रफल घट जाता है और बैठने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है। जब क्षेत्रफल खड़े होने पर जब क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, और जब दाब बढ़ेगा तो कुर्सी के टूटने का डर रहेगा। अब तो बाल की सीजन आ रही है, डाबे पर जो है दो कुंतल एक कुंतल बाल फैला दीजिए, ठीक है, डारा नहीं टूटेगा, और उसी केवल एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, देखिए डारा आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दाब। अब आता है प्रणोद। प्रणोद में केवल यही बाध्यता नहीं, एकांत क्षेत्रफल, ठीक है, किसी तल पर लगने वाले लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। यहां एकांत क्षेत्रफल की बात नहीं कर रहा है, किसी कोई तल हो अगर उसमें लंबवत बल कार्य कर रहा हो क्या कहेंगे, बल मतलब लंबवत दिशा में कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद। तो प्रणोद का मात्रक वही है जो किसका, न्यूटन का मात्रक, सॉरी बल का मात्रक है, जो बल का मात्रक है, इसका मात्रक न्यूटन या डाइन होता है। यह भी क्या है, सदिश राशि है, यह भी क्या है, एक सदिश राशि, ठीक है। प्रणोद किसी तल पर लगने वाले लंबवत बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, इसका मात्रक न्यूटन या डाइन, मतलब बल की तरह, ठीक है, केवल वही है, कैसा बल, लंबवत बल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।